नमस्कार साथियों, चलिए तो हम लोग बात कर रहे थे मंथली करंट अफेयर्स के बारे में। और अभी तक आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग 4 महीने का करंट अफेयर्स कवर कर चुके हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोगों ने जनवरी, फिर उसके बाद फरवरी, उसके बाद मार्च महीने का, फिर अप्रैल महीने का, और आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे मई 2021 में जो भी आपकी घटनाएं घटी हुई है उनसे आपका आपकी परीक्षाओं में किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं, उन सभी क्वेश्चंस को यहां शामिल किया गया है। और मुझे लगता है कि आप लोग बेहतर जानते हैं कि देखिए, आपकी परीक्षा, किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो आप लोग, फिर चाहे आप लोग का स्टेट पीसीएस हो, जिसमें एमपीपीएससी, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश पीसीएस, महाराष्ट्र पीसीएस, या फिर आपका सिविल सर्विस हो, या फिर आप लोग देखते हैं कि आपका जो सेंट्रल की और भी एग्जाम होते हैं, या स्टेट में आपके और भी एग्जाम होते हैं, जैसे एसएससी, बैंक, रेलवे, या फिर आप स्टेट में देखते होंगे टीचर, पुलिस, एसआई, दरोगा, समझ रहे हैं? तो उसमें भी आपके करेंट अफेयर्स से काफी अच्छी संख्या में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और मुझे लगता है कि आप लोग अगर सिलेबस देखते रहते हैं और पुराने पेपर देखते रहते हैं तो आप लोग इसे बेहतर जानते होंगे, ठीक है? और याद रखिए, हम लोग इसमें केवल करेंट अफेयर्स कवर नहीं करेंगे, स्टैटिक जीके भी कवर करेंगे। स्टैटिक जीके कहने का मतलब ये होता है कि आप देखिए, आप लोग जब किसी एग्जाम की तैयारी करते होंगे तो उसमें आप लोगों को देखते होंगे दो तरह के आंकड़े आप लोगों को देखने को मिलते हैं। एक तो आपके स्थायी आंकड़े होते हैं और एक आपके अस्थायी आंकड़े होते हैं। आप लोग स्थायी आंकड़े उसे कह देते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई इंडेक्स या रिपोर्ट जारी की जा रही है, या मान लीजिए आपके यहाँ कोई घटना घटी थी, आप समझ रहे हैं, जैसे महात्मा गांधी की सोच लीजिए आप लोग, या अपने देश की आजादी को देख लीजिए। देखिए, 1947 में हमें आजादी मिली थी, तो ये क्लियर है कि ये स्थायी आंकड़े हो गए, ये कभी बदलने वाले नहीं है। गांधी जी का जन्म कब हुआ था, आप समझ रहे हैं, ये आंकड़े बदलने वाले नहीं है। अब कौन सी गांधी की जयंती मनाई जा रही है, आजादी को कौन सा साल मनाया जा रहा है, इस साल की क्या थीम रखी गई है, ये होते हैं आपके अस्थायी आंकड़े। और इन्हें आप लोग क्या कह देते हैं कि करंट अफेयर्स कह देते हैं एक तरह से। तो इसमें हम लोग सब कुछ कवर करेंगे। देखिए, क्लासें थोड़ी बड़ी हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए, लेकिन इतना याद है, इतना क्लियर कह सकते हैं कि बहुत अच्छी तरह से हम लोग करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। और याद रखिए, इसके लिए एक आपका मंथली करंट अफेयर्स 2021 के नाम से प्लेलिस्ट सूची बना दी गई है, उसमें आपके 2021 के जितने भी महीने, 12 महीने के करंट अफेयर्स की जो भी क्लासें होंगी उसमें डाल देंगे, ठीक है? चलिए, तो सबसे पहले हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है कि प्रतिवर्ष यानी कि हर साल अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है, हर साल अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? एक 30 अप्रैल, 1 मई, 2 मई और 28 अप्रैल। 1 मई को, कब? 1 मई को मनाया जाता है और दुनिया भर में मनाया जाता है। देखिए, याद रखिए, ये आपका अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर है, राष्ट्रीय लेवल पर नहीं, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर। और इस दिवस को मनाने का यही उद्देश्य रहता है कि एक तरह से आप कहिए कि जो हमारे श्रमिक हैं उन्हें जागरूक करना, उन्हें अपने काम के प्रति जागरूक करना, उनके साथ अच्छा भेदभाव हो सके, ठीक है? इसे आप लोग मई दिवस भी कहते हैं, लेबर डे भी कहते हैं, मजदूर दिवस भी कहते हैं। तो अगर किसी भी तरह का क्वेश्चन आता है तो आप लोग आंसर दे सकेंगे। इसकी अगर हम लोग शुरुआत की बात करें तो 1 मई 1886 में इसे पहली बार मनाया गया था। 1886, समझ रहे हैं ना, कंफ्यूज मत होना, फिर आपका वो कंफ्यूज हो चुका हो। पहली बार कब मनाया गया था ये? 1 मई 1886 में। और अमेरिका में एक आंदोलन चला था, उसी से इसकी शुरुआत हुई थी। और इस आंदोलन के दौरान अमेरिका में मजदूर काम करने के लिए 8 घंटे का समय निर्धारित किए जाने को लेकर आंदोलन कर रहे थे। अभी आपने देखा होगा कि सुबह 5-6 बजे बुला लेते हैं मजदूरों को और शाम के 7-8 बजे छोड़ते हैं। तो देखिए, कोई भी मजदूर हो, चाहे आपके आसपास लगा हुआ है जो आप देखते हैं कि बिल्डिंगें बनाता रहता है, या कोई भी मजदूरी कर रहा है, उसकी एक न्यूनतम वेतन रखने की बात की गई थी, न्यूनतम दिहाड़ी जो भी रहती है, और आपके घंटे कितने घंटे काम करना पड़ेगा, ठीक है? और 1 मई 1886 के दिन मजदूर लोग रोजाना 15-15 घंटे काम कराए जाने और शोषण के खिलाफ पूरे अमेरिका में सड़कों पर उतर गए थे। और इसके बाद 1889 में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन की दूसरी बैठक में एक प्रस्ताव पारित किया गया था, और जिसमें यह ऐलान किया गया था कि 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस
के रूम में मनाया जाएगा और इस दिन सभी कामगारों और सेवकों का अवकाश रहेगा, यानी कि छुट्टी रहेगी उनके लिए। तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं, रख क्या सकते हैं, रखा जाना चाहिए मुझे लगता है। रखोगे कि नहीं रखोगे? नहीं रखोगे तो आपको ही घाटा रहेगा। और भारत में अगर हम लोग इस मजदूर दिवस की शुरुआत की बात करें तो 1 मई 1923 में शुरू हुआ था, ठीक है? तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। एक अंतर्राष्ट्रीय सैनिक संगठन के बारे में आप लोग सुने हो, ILO के बारे में? तो इसके बारे में, जिसे आप लोग इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं, तो इसकी स्थापना 1919 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर आपको जेनेवा स्विट्जरलैंड में देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। कौन सड़कों पर चालक रहित कारों की अनुमति देने वाला पहला राज्य या पहला देश बन गया है? आप समझ रहे हैं, अब ड्राइवर की जरूरत नहीं पड़ेगी। कौन सड़कों पर चालक रहित कारों की अनुमति देने वाला पहला देश बन गया है? ऑस्ट्रेलिया, जापान, ब्रिटेन, रूस, बताइए। तो इसमें याद रखिए ब्रिटेन होगा। आप समझ रहे हैं, अब ड्राइवर की भी जरूरत नहीं होगी। और यूरोप का देश है आपका ब्रिटेन, समझ रहे हैं, जिसे आप लोग ग्रेट ब्रिटेन भी कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। प्रति वर्ष यानी कि हर साल विश्व हास्य दिवस कब मनाया जाता है? हंसने वाला दिवस की बात हो रही है। 1 मई 2 मई 3 मई या 4 मई? 2 मई या 3 मई या 4 मई? तो मुझे लगता है कि आप लोगों को मालूम होना चाहिए 2 मई को। कब मनाया जाता है? 2 मई को। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। विश्व हास्य दिवस मनाया जाता है 2 मई को। और आपको बता दूं कि ये हर साल आप देखिए मई महीने के पहले रविवार को मनाया जाता है, और इस बार आपका 2 मई पड़ा हुआ है। इस दिवस को मनाया पहली बार 1998 में मुंबई में मनाया गया था। वर्ल्ड वाइड लाफ्टर योगा मूवमेंट के संस्थापक डॉक्टर मदन कटारिया ने लाफ्टर थेरेपी के प्रति जागरूकता बढ़ाने और लोगों में बढ़ रहे स्ट्रेस व डिप्रेशन को दूर करने के लिए इस अंतर्राष्ट्रीय हास्य दिवस मनाने की शुरुआत की थी। तो आप लोग भी क्या किया करिएगा, हंसते रहा करिएगा। और हंसने में क्या जाता है, कहते हैं कि हंसने के बहुत फायदे भी हैं। अगर आप कहें तो फायदे भी बता देता हूँ, बताऊँ? देखिए, हंसने के कई, ऑक्सीजन लेते हैं उसमें 6 गुना अधिक ऑक्सीजन हंसते समय लेते हैं, और इस तरह शरीर की अच्छी मात्रा में ऑक्सीजन मिलती रहती है। और मनोवैज्ञानिक भी तनाव से ग्रसित व्यक्तियों को हंसने की सलाह भी देते हैं। मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि जब आप मुस्कुराते हैं तो आपका मस्तिष्क आपके अपने आप सोचने लगता है और आप खुश हैं, यह प्रतिक्रिया पूरे शरीर में बता देता है वो, और आप बड़ा सुकून एक तरह से महसूस करते हैं। जब आप हंसना शुरू करते हैं तो शरीर में रक्त जो संचार होता है वो भी अच्छे से चलने लगता है। हंसने के लाभ आप देखिए, हंसते समय क्रोध नहीं आता है, गुस्सा नहीं आता है। हंसने से आत्मसंतोष के साथ सुखद अनुभूति भी होती है। इस ब्लड प्रेशर भी कम होता है, समझ रहे हैं? हंसने से मांसपेशियों में खिंचाव कम होता है, हंसी दर्द दूर कर देती है। तो ये आप लोग याद रखिएगा और हंसते रहा करिएगा, बेवजह ही हंसते रहा करिएगा। और 11 जनवरी 1998 को उन्होंने पहली बार विश्व हास्य दिवस मनाने की घोषणा की थी एक तरह से, तो इसीलिए याद रखिए। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। प्रति वर्ष यानी कि हर साल विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? आप सभी जानते हैं, मुझे लगता है हमारे, देखिए, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया, प्रेस, जो आज आप देख रहे हैं कि आजकल दूर दूर तक वो स्तंभ खत्म होता जा रहा है। हमारे देश में क्या मीडिया की स्थिति है आप लोग बेहतर जानते हैं, उन्हें आम जनता की एक तरह से सवाल उठाना चाहिए, वो आम जनता को ही बेवकूफ बनाए जा रहे हैं। इसमें 30 अप्रैल कह रहा है, 2 मई 3 मई या 4 मई? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की बात कर रहा हूँ। और आप सभी को मालूम होगा कि एक सूचकांक भी जारी किया जाता है जिसमें हमारी स्थिति बहुत बुरी रहती है, तो बताइए कुछ इसके बारे में। 3 मई होगा, इसमें क्या होगा, 3 मई? तीन मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, और एक तरह से आप देखिए दुनिया भर में लोकतंत्र को
स्वस्थ और मजबूत बनाने के लिए एक तरह से इसे मनाया जाता है। और 1991 में यूनेस्को का एक सम्मेलन हुआ था, उसे इसमें अपनाने की सिफारिश की गई थी। 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक दिवस घोषित किया गया था। तो यहाँ दो संगठनों का उल्लेख हुआ है, एक तो आप देखिए यूनेस्को का, तो आप बता दूं आपको कि यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में देखने को मिलेगा। इन संगठनों से क्वेश्चंस काफ़ी संख्या में आपके क्वेश्चंस आते रहते हैं, फिर चाहे आप लोग सिविल सर्विस ले लीजिए या और भी एग्जाम ले लीजिए। और अगर हम लोग संयुक्त राष्ट्र की बात करें, यूनाइटेड नेशंस की बात करें, तो 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर आपको न्यूयॉर्क यूएसए में देखने को मिलेगा। तो ये भी याद रख सकते हैं आप लोग, रख क्या सकते हैं, रखना चाहिए मुझे लगता है कि। और यूनेस्को की अगर पूरे फुल फॉर्म की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन, से आप लोग कह देते हैं। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, हमारे यहाँ अनुच्छेद 19(1) पढ़ते हैं ना, इसके तहत आप देखिए देखिए क्या प्रेस की स्वतंत्रता की बात की गई है, लेकिन वो उसे निभाए तब तो। कौन बीपी कानूनगो की जगह आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर बने हैं? डिप्टी गवर्नर की बात हो रही है, आरबीआई तो आप लोग जानते होंगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है। एस जयशंकर, के घोषाल, टी रविशंकर, एम बारवाल, कौन होंगे इसमें? तो आपको बता दूं कि इसमें टी रविशंकर होंगे, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी कोलकाता में। इसका हेडक्वार्टर आपको मुंबई में देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया है आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, हर्ष प्रसिद्ध व्यक्तित्व विक्रमजीत कंवरपाल का निधन हो गया है, इनकी मौत हो चुकी है, वह कौन थे, मतलब किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे वो? ए ऑप्शन कह रहा है आपसे, अभिनेता थे, लेखक थे, या गणितज्ञ थे, या पूर्व क्रिकेटर थे, कौन थे? तो आप सभी को मालूम होगा कि अभिनेता थे, आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते रहते होंगे तो आप लोग बेहतर इसकी आंसर भी जान पाते होंगे, अभिनेता थे, ठीक है। और विक्रम कंवरपाल ने भारतीय सेना से सेवानिवृत्त होने के बाद 2003 में अपने अभिनय की शुरुआत की थी, आर्मी ऑफिसर भी रहे हैं, समझ रहे हैं, कई टीवी सीरियल्स और फिल्मों में इन्होंने सपोर्टिंग रोल भी किया हुआ है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, किस देश की खिलाड़ी थी सारा परेरा ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? ऑस्ट्रेलिया के हैं, या श्रीलंका के हैं, अफगानिस्तान के हैं, या फिर आप देखिए नेपाल के हैं, कहाँ के हैं बताइए कुछ। तो आपको बता दूं ये श्रीलंका के हैं, कहाँ के हैं, श्रीलंका के हैं। और श्रीलंका आप लोगों को मालूम होगा कि हमारा पड़ोसी है, हमारा नीचे आप देखेंगे दक्षिण भारत से लगा हुआ एक तरह से, पाक जलमरु है ना, जो मन्नार की खाड़ी, ये भारत और चाइना, भारत और श्रीलंका के बीच आपको देखने को मिलेगी श्रीलंका। और कहते हैं श्रीलंका से आप देखिए सीता रावण का लगाव भी, कुछ जुड़ाव भी है कहा जाता है ऐसा, तो ये भी आप लोग। चलिए आगे चलते हैं, कौन व्यक्ति राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं? कौन व्यक्ति राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बने हुए कार्यकारी? अभिनव चौटाला, राजवीर सिंह पारिक, प्रफुल्ल चंद पंत, मनोहर दास खन्ना। एक आपको बता दूं कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग होता है, ये जो आपको अधिकार मिले हुए हैं, अगर इनमें कोई हस्तक्षेप करता है तो इन मुद्दों को उठाने का काम करता है आपका, ठीक है। राष्ट्रीय नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना की बात करें तो 12 अक्टूबर 1993 को इसकी स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर आपको न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसमें आप लोग क्या लगाओगे, तो इसमें होंगे प्रफुल्ल चंद पंत, ठीक है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन है हमारे सामने अगला, प्रतिवर्ष यानी कि हर साल विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है? विश्व अस्थमा दिवस की बात हो रही, मई महीने के पहले रविवार को, मई महीने के पहले सोमवार को, मई महीने के पहले मंगलवार को, या फिर मई महीने के पहले बुधवार को? तो याद रखिए इसमें सी ऑप्शन होगा, मई महीने के पहले
मंगलवार को। और इसके बारे में और कुछ अगर हम लोग बताएं तो इस बार ये 4 मई को मनाया गया था, ठीक है, तो ये भी आप लोग। और आप सभी जानते हैं अस्थमा जो वायु प्रदूषण होता है, इसके कारण काफ़ी लोगों में अस्थमा की रोग देखा जा रहा है। इस बीमारी से छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्ग सब लोग प्रभावित होते हैं। और एक तरह से अस्थमा के खिलाफ लोगों को जागरूक करने और शिक्षित करने के लिए इस दिन को पूरे विश्व में मनाया जाता है, समझ रहे हैं? तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं, विश्व अस्थमा दिवस। 1993 में विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोग से ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा के जरिए ये पहली बार 1998 में 35 से ज़्यादा देशों में मनाया गया था, 1998 में, ठीक है। तो ये आप लोग जरूर याद रखें। और विश्व अस्थमा की अगर हम लोग इस बार की थीम की बात करें, किसकी थीम की अगर बात करें, तो देखिए इसकी थीम रखी गई है अस्थमा की गलतफहमी को उजागर करना। इस साल की क्या थीम रखी गई है, यह एक संगठन का उल्लेख हुआ है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, विश्व है स्वास्थ्य संगठन का। तो 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी और जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलते हैं आगे, चलते हैं हम लोग बढ़ते। किसने विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीता है? स्टीफन हेनरी, स्टीव डेविस, सॉन मर्फी, मार्क सेल्वी। मार्क सेल्वी, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा, मार्क सेल्वी। आगे चलते हैं हम लोग। ममता बनर्जी लगातार तीसरी बार किस राज्य की मुख्यमंत्री बनी है? आप सभी लोगों ने देखा होगा काफी दिलचस्प मुकाबला रहा था, लेकिन जिस हिसाब से आपको दिखाई दे रहा था मीडिया में या लोगों के द्वारा कहा जा रहा था, उस तरह से रिजल्ट नहीं रहा है। आपने देखा है कि न्यूज़पेपरों ने जो एग्जिट पोल होते हैं उसमें बीजेपी की सरकार बनवा देते हैं, बनती दिखाई भी दे रही थी उसमें, लेकिन आपने देखा है ममता बनर्जी एक तरफा जीत हुई है। तो प्रश्न कहाँ की है, ये तो मुझे लगता है कि आप लोग आंख बंद करके तो नहीं कह सकता, लेकिन बता देंगे, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड, आंध्र प्रदेश। एक बात और आपको बता दूं, देखिए हम लोगों ने सभी की बायोग्राफी कवर की हुई है, समझ रहे हैं आप लोग? तो आप लोग जाकर वहां जरूर देखिए, एक जीवनी या बायोग्राफी के नाम से प्लेलिस्ट सूची बनी हुई है। जो भी चर्चा में लोग रहते हैं या हमारे इतिहास में जिनका योगदान रहा है देश को आज़ाद कराने में, उनके बारे में भी हम लोग विस्तार से बात करते रहते हैं वहाँ, ठीक है। और पश्चिम बंगाल की थी है, ठीक है। पश्चिम बंगाल के बारे में बात करें तो 1 नवंबर 1956 में इसे राज्य बनाया गया था, इसकी राजधानी कोलकाता है। और यहाँ पश्चिम बंगाल में आप सभी जानते हैं ममता बनर्जी यहाँ की मुख्यमंत्री हैं। और इसमें अगर हम लोग बात करें, क्या बात करें, पश्चिम बंगाल विधानसभा में आपको कितनी सीटें देखने को मिलेगी, कितनी देखने को मिलेगी कुछ बताओगे? 294। सही बोला या गलत तो नहीं बोल दिया, 294 सीटें देखने को मिलेगी आप लोगों को। और बता देता हूं इसके बारे में, 294 तो विधानसभा में हो गई, लोकसभा में आप देखेंगे 42 सीटें और राज्यसभा में आपको 16 सीटें देखने को मिलेगी। देखिए कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं स्टेट पीसीएस, और आप देखिए सिविल सर्विस में सीटों से संबंधित क्वेश्चंस आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बने हैं? तमिलनाडु की बात हो रही है, बताइए। ए ऑप्शन कह रहा है एस रेगुपति, बी कह रहा है एमपी समीनाथ समी नाथन, आर चक्रपाणि, एम के स्टालिन। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को मालूम होना चाहिए एम के स्टालिन थे, क्या थे, एम के स्टालन, स्टालिन, ठीक है। आप देखिए दक्षिण भारत में इसी तरह के नाम होते हैं। और अगर हम लोग इसी की बात करें, पश्चिम बंगाल की बात हो रही है, तो इसकी बात करिए तमिलनाडु की बात हो रही है, पश्चिम बंगाल की तो बात हो चुकी ना, क्यों नहीं हुई, हो चुकी है। तो इसे राज्य बनाने की बात हो तो 26 जनवरी 1950 को इसे राज्य बनाया गया था। यहाँ आपको 234 सीटें विधानसभा में देखने को मिलेगी, लोकसभा में 39 सीटें हैं और राज्यसभा में आपकी 18 सीटें हैं, कितनी 18 सीटें हैं, तो ये आप लोग याद रखिएगा। आगे चलते हैं हम लोग, प्रसिद्ध व्यक्तित्व
अभिलाषा पाटिल का निधन हो गया, यानी कि इनकी मौत हो गई। ये कौन थी, किस क्षेत्र से जुड़ी हुई थी? अभिनेत्री थी, लेखक थी, चित्रकार थी या पत्रकार थी? तो याद रखिए अभिनेत्री थी। क्या थी? अभिनेत्री थी। कोरोना महामारी में आप देखिए कि बहुत सारे एक तरह से लोगों की जान गई हुई है। और आपको बता दूं कि देखिए कोरोना महामारी से इनकी डेथ हुई थी, और मराठी फिल्मों की मशहूर अभिनेत्री थी। और इन्होंने आप देखिए बद्रीनाथ की दुल्हनिया हो, छिछोरे हो, गुड न्यूज हो, मलाल हो, इस तरह की कई फिल्मों में काम किया था। चलिए आगे चलते हम लोग। एम रंगास्वामी कौन कौन सी बार पुडुचेरी के मुख्यमंत्री बने हैं? तो एक तो क्वेश्चन इसी में आपको प्रश्न में ही मिल गया कि पुडुचेरी के मुख्यमंत्री कौन बने हैं, तो एन रंगास्वामी। तो याद रखिए चौथी बार बने हैं। पुडुचेरी आप जानते हैं केंद्र शासित प्रदेश है, उसी की बात हो रही है। पुदुचेरी, पुडुचेरी इसे इसी नाम से पुकारते रहते हैं, यहाँ समझना चाहिए। 1 नवंबर 1954 में इसकी गठन हुआ था, एक तरह से यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। और यह आपको 33 सीटों के करीब आपको देखने को मिलेगा, और राज्यसभा लोकसभा में एक एक सीट है यहाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हर साल विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया जाता है? हर साल विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया जाता है? पहला ऑप्शन की जरा क्या कह रहा है इसमें, 6 मई, 8 मई, 9 मई, 10 मई, बताइए। तो याद रखिए 8 मई को, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा, 8 मई को मनाया जाता है। थैलेसीमिया बच्चों को उनके माता पिता से मिलने वाले अनुवांशिक रोग होता है, रक्त रोग, और इस रोग की पहचान बच्चे में 3 महीने बाद ही हो पाती है। और इससे को मनाने का सबसे बड़ा उद्देश्य यही होता है कि लोगों को रक्त संबंधित इस गंभीर बीमारी के प्रति जागरूक करना है। और आपको मुझे लगता है कि पहले से ही अपना ब्लड ग्रुप चेक करवा लेना चाहिए, कुछ कमी तो नहीं है, कौन सा ग्रुप है, ठीक है। तो ये काम आप लोग बेहतर कर सकते हो, करना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। अब आप लोग, हो सकता है कि मैं गलत हो सकता हूँ, आप सही हो सकते हैं, अब इसमें फर्क हो सकता है। और इस बारे में अगर हम लोग इस बार की थीम की बात करें, किसकी, विश्व थैलेसीमिया दिवस की, तो एड्रेसिंग हेल्थ इनक्वालिटीज अक्रॉस द ग्लोबल थैलेसीमिया कम्युनिटी, इस बार की थीम रखी गई थी इसकी, ठीक है। तो ये आप लोग याद रख सकते। चलें तो आगे चलते हैं। और इसे 1994 में पहली बार विश्व थैलेसीमिया दिवस बनाने के बारे में सोचा गया था। चलिए आगे चलते हैं। प्रसिद्ध व्यक्तित्व वनराज भाटिया का निधन हो गया, यानी कि इनकी मौत हो चुकी है। ये किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? संगीतकार थे या पूर्व राज्यपाल थे, वैज्ञानिक थे या पूर्व क्रिकेटर थे, बताइए कौन थे? तो याद रखिए आपके संगीतकार थे, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। इन्होंने, भाटिया ने श्याम बेनेगल की फिल्मों अंकुर, भूमिका, धारावाहिक यात्रा, भारत एक खोज, खानदान, वागले की दुनिया, नाकाब और बनेगी अपनी बात, इस तरह के संगीत दिए, ठीक है। और इन्हें राष्ट्रीय संगीत का राष्ट्रीय पुरस्कार, संगीत नाटक अकादमी सम्मान भी मिल चुका था। तरंग, दो काल, अजूबा, बेटा, दामिनी, घातक, परदेश, चमेली और रूल्स, प्यार का सुपरहिट, फॉर्मूला, इन सब के लिए संगीत भी तैयार किए थे इन्होंने। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, फिलहाल बहुत कुछ कर चुके हैं इनके बारे में। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, किसने लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2021 जीता है? किसने लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2021 जीता है? रोजर फेडरर, राफेल नडाल, नोवाक जोकोविच या डोमिनिक थीम? तो आप बताइए। तो आपको मालूम होना चाहिए राफेल नडाल, बी ऑप्शन इसमें आपका बिल्कुल सही है।
एक टेनिस खिलाड़ी है, आपको मालूम होना चाहिए, स्पेन की है या नहीं है? स्पेनिश है ये, रफाल, रफाएल नडाल, रफेल नडाल। रफेल के बारे में तो आप लोग जानते होंगे। चलिए खैर, अगला क्वेश्चन है, किसने लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन, वहां मैन था, यह वुमेन ऑफ द ईयर 2021 जीता है? सेरेला, सेरेना विलियम्स, सिमोना हालेप, नाओमी ओसाका, स्टेफी ग्राफ। बताइए। तो याद रखिए इसमें नाओमी ओसाका होंगी। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, एक जापानी टेनिस खिलाड़ी है ये। ठीक है, ये आप लोग याद रखिए। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, हर साल यानी कि प्रतिवर्ष मातृ दिवस मदर डे कब मनाया जाता है? मदर डे, जिसकी जिसका महत्व भगवान से अधिक है, लगभग, और कहते नहीं है कि अगर एक माँ पढ़ी लिखी हो तो उसके बच्चे हमेशा संस्कार भी पढ़े लिखे होते हैं, और नहीं भी पढ़ी लिखी होती है माँ तब भी वो अपने बच्चों को बहुत कुछ सिखा देती है। मई महीने के दूसरे रविवार को, मई महीने के दूसरे मंगलवार को, मई महीने के पहले सोमवार को, मई महीने के पहले शनिवार को। तो याद रखिए मई महीने के दूसरे रविवार को मनाया जाता है मदर डे, मातृ दिवस। इसके बारे में और कुछ अगर आपको पॉइंट बताया जाए तो माताओं के लिए, माँ के लिए सम्मान की एक तरह से हो सके, जागरूक हों लोग, इसलिए इसकी शुरुआत की गई थी। इसकी शुरुआत, इस दिन की शुरुआत एना जार्विस ने की थी, इस नाम को याद रखिएगा। उन्नीस सौ ग्यारह में मदर्स डे को एक तरह से पता है मान्यता मिली थी, और इसके बाद 1941 में वुडरो विल्सन ने मई के महीने में दूसरे रविवार को राष्ट्रीय अवकाश घोषित करते हुए एक घोषणा पत्र भी पर हस्ताक्षर भी किए हुए थे। माँ के स्थान की बात करें तो एक माँ जिंदगी में कई फर्ज निभाती है, कई रिश्ते बिना किसी स्वार्थ के निभाती है। माँ का दर्जा भी आप सभी को मालूम होगा कि काफी ऊपर है, भगवान से ऊपर रखा गया है, और आप सभी जानते होंगे कि एक माँ निस्वार्थ भाव से अपने बच्चों को प्यार करती है, वरना दुनिया को आप देखिए, आप में मतलब ही, अगर आपसे कोई काम नहीं निकलना है तो वो आपको हाल नहीं में पूछेंगे। अगला क्वेश्चन है, हेमंत बिस्वा शर्मा शर्मा किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? बताइए। केरल, असम, तमिलनाडु, मणिपुर। तो याद रखिए असम के हैं, कहाँ के? असम के हैं, और आपने देखा होगा पश्चिम बंगाल के साथ इसके चुनाव हुए थे उसी समय। अगर हम लोग असम की बात करें तो पूर्वी भारत में आपको एक राज्य देखने को मिलेगा। 26 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना की गई थी, और यहाँ विधानसभा में आपको 126 सीटें देखने को मिलेगी, राज्यसभा में 7 सीटें और लोकसभा में 14 सीटें देखने को मिलेगी। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने प्रतिवर्ष मनोज दास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार देने की घोषणा की है? किस सरकार ने? इसमें पहला ऑप्शन कह रहा है असम, बी कह रहा है तमिलनाडु, या फिर उड़ीसा या झारखंड। चार ऑप्शन में से एक तो सही होगा, अब कौन सा सही होगा ये आप लोगों को बताना है। तो याद रखिए उड़ीसा है, उड़ीसा सरकार ने प्रतिवर्ष मनोज दास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार देने की घोषणा की है। और मनोज दास की स्मृति में, उनकी याद में इस घोषणा करने की बात की है। और आपको बता दूं, यह हर साल अंग्रेजी साहित्य में उनके रचनात्मक योगदान के लिए उड़ीसा के साहित्यकारों को दिया जाएगा, और पद्म भूषण पाने वाले प्रसिद्ध लेखक मनोज दास, जिन्होंने अंग्रेजी उड़ीसा भाषा में सैकड़ों कहानियां, उपन्यास, कथा, कविताएं और स्तंभ लिखे थे। ठीक है, अब उड़ीसा का उल्लेख हुआ है तो उड़ीसा के बारे में कुछ जान लीजिए, भेदभाव नहीं रहना चाहिए किसी भी राज्य के साथ। तो आप सभी को मालूम होगा कि उड़ीसा राज्य की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी, और इसे इसे यहाँ अगर हम लोग नवीन पटनायक यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और विधानसभा में यहाँ 147 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें हैं और
लोकसभा में 20 सीटें आपको देखने को मिलेगी। आगे है, किसे अप्रैल 2021 का आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार मिला? विराट कोहली, केन विलियम्स, टिम पेन, बाबर आजम। तो याद रखिए बाबर आजम को मिला है, बाबर आजम को मिला है अप्रैल 2021 का आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार। पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं आपको मालूम है, तो याद रखिए। और इस साल ही आप देखिए महिला वर्ग में यह अवार्ड ऑस्ट्रेलिया की एलिसा हेली को मिला है, ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, पितिवस राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस की बात हो रही है, कितना, 8 मई, 10 मई, 11 मई या फिर आपका 13 मई, बताइए। तो याद रखिए इसमें आपका 11 मई होगा। क्या होगा? 11 मई होगा। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस की बात हो रही है, पूरे भारत में मनाया जाता है नेशनल टेक्नोलॉजी डे, और इसकी शुरुआत 11 मई 1998 में हुई थी। आपको मालूम होगा कि 11 मई 1998 को राजस्थान के पोखरण में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था, उसी की याद में एक तरह से आप कह सकते हैं। और इस परीक्षण से 5.3 रिएक्टर फटने पर भूकंपीय कंपन दर्ज हुई थी और कुल 3 परमाणु बम विस्फोट किए गए थे। और इस सफल परमाणु परीक्षण के बाद ही उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी ने देश में 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे के रूप में मनाने की घोषणा की हुई थी। एक इस बार की थीम की अगर बात करें तो एक सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इस बार की थीम रखी गई है, एक सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं, रखना चाहिए, रख क्या सकते हैं। कौन व्यक्ति आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक नियुक्त किए गए हैं? जीत सिंह ठाकुर, ताराचंद मेघवाल, जोस जेकटोर, एस एन पल्ला निवासी पल्लानी स्वामी। तो याद रखिए जॉस जे कट्टूर इसमें होंगे। पितिवस अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? नर्स दिवस की बात हो रही है, बताइए, 10 मई, 12 मई, 14 मई या 15 मई? तो याद रखिए ये मनाया जाता है 12 मई को, कब, 12 मई को। और एक तरह से इसे मनाने की अगर बात करें हम लोग, क्यों मनाया जाता है ये भी तो सवाल आता होगा। इस दिन फ्लोरिंग नाइटिंगेल का जन्म हुआ था, जो आधुनिक नर्सिंग की संस्थापक मानी जाती है, और यही वजह है कि इनके जन्मदिन पर आप देखिए इसे मनाने का घोषणा की हुई। जनवरी 1974 में इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स द्वारा अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाने की घोषणा की गई थी पहली बार, ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। इस बार की थीम की बात करें तो थीम नर्स ए वॉइस टू लीड ए विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर रखी है, ठीक है, फिर से सुन लीजिए, थीम रही है नर्स ए वॉइस टू लीड ए विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर, इस बार की थीम रही है। अगर हम लोग इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स की बात करें तो इसकी स्थापना 1899 में हुई थी, इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। किस राज्य की प्रथम राजस्व मंत्री के आर गौरी अम्मा का 102 वर्ष की उम्र में डेथ हो चुकी है, इनकी मौत हो गई है? गुजरात की थी, असम की थी, केरल की थी या तमिलनाडु की थी? तो याद रखिए केरल की थी, कहाँ की थी, केरल की थी। और के आर गौरी अम्मा, गौरी अम्मा साल 1957 में EMS नमुद्री के नेतृत्व वाली पहली कम्युनिस्ट सरकार की सदस्य थी, और वह पहली बार केरल विधानसभा की अकेली जीवित सदस्य थी। वह केरल की पहली राजस्व मंत्री भी थी। साल 1994 में वह भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से निकाली गई थी और इसके बाद उन्होंने खुद की पार्टी भी बनाई हुई थी। केरल के बारे में कुछ पॉइंट बता देते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं केरल कोई भी सूचकांक आता होगा आपका केरल सबसे टॉप पर आपको दिखाई देता है। केरल की स्थापना राज्य की 1 नवंबर 1956 में की गई थी। यहाँ आपको विधानसभा में 140 सीटें देखने को मिलेगी, राज्यसभा में 9 सीटें हैं और लोकसभा में आपकी 20 सीटें आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, केरल। और
तिरुवनंतपुरम इसकी राजधानी है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, कौन डिजिटल बार्ड रिपोर्टिंग प्रणाली का इस्तेमाल करने वाला पहला राज्य बना है? कौन डिजिटल बार्ड रिपोर्टिंग प्रणाली का इस्तेमाल करने वाला पहला राज्य बना है? तो याद रखिए असम होगा। क्या होगा? असम होगा। असम, अभी असम के बारे में आपको बताए थे ना, वही है असम। एक टाइम फ्लैड रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ किया गया है। असम भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया जिसके पास ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली। ब्रह्मपुत्र नदी के बहाव के साथ असम हर साल भयंकर बाढ़ और मिट्टी के अपरदन का शिकार होता है। यही सभी जांच पड़ताल के लिए एक तरह से इस प्रणाली की का उपयोग किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, किस देश के खिलाड़ी विजय वाटलिंग ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की हुई है? किस देश के खिलाड़ी विजय वाटलिंग ने इंटरनेशनल क्रिकेट के से संन्यास लेने की घोषणा की है? न्यूजीलैंड के हैं, ऑस्ट्रेलिया के हैं, इंग्लैंड के हैं या बांग्लादेश के हैं? बताइए कहाँ के हैं? तो याद रखिए ये न्यूजीलैंड के हैं, अच्छे खिलाड़ी हैं, समझ रहे हैं? न्यूजीलैंड आप देखते हैं प्रशांत महासागर में, ऑस्ट्रेलिया के पास आपको देखने को मिलेगा, उसी की बात कर रहा हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए सबके बारे में पढ़ाया हुआ है, कोई देश नहीं छूटा हुआ है। आप लोग मैप के नाम से एक प्लेलिस्ट सूची बनी हुई है, वहां जाइए आप लोग, सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ कवर किया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, कौन शेख जायद बुक पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला बन चुकी हैं? शेख जायद पुरस्कार, हमसा खान, ताहिरा कुतुबुद्दीन, आयशा बेगम, रजिया पठान। तो याद रखिए इसमें ताहिरा कुतुबुद्दीन है। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में सुने हैं? और इसकी स्थापना देखिए पहली बार ये 2007 में दिया गया था, ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसमें या आपका मुंबई में जन्मी है, ए प्रोफेसर है, अपनी पुस्तक अरबी ओरेशन आर्ट एंड फंक्शन के लिए इन्हें इस सम्मान मिला है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, किस भारतीय मूल की महिला ने विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 जीता है? किस भारतीय मूल की महिला ने विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 जीता है? निर्मला सिंह चौहान, गायत्री कुमारी शर्मा, शकुंतला हरक सिंह, और एक है आपकी दिव्या सिंह, दिव्याश्री पटसरिया। तो याद रखिए इसमें शकुंतला हरक सिंह होंगी, शकुंतला हरक सिंह होंगी, विश्व खाद्य पुरस्कार की बात हो रही है, तो इनके बारे में याद रखिएगा। 1986 में पहली बार इसका गठन हुआ था, 1987 में पहली बार दिया गया था, ठीक है। और विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा भारतीय मूल एक तरह से दिया जाता है, ठीक है, विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन के द्वारा इसे दिया जाता है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका, कौन व्यक्ति भारत पंप्स एंड कंप्रेसर लिमिटेड यानी कि बीपीसीएल के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने हैं? बताइए इसमें क्या करोगे? अरुण कुमार सिंह, सुरेश चंद्र शर्मा, सीपी कुमार मौर्य, लोकेश सिंह राठौर। चार में से एक तो सही होगा, अब आपको बताना है कौन सही होगा। तो अरुण कुमार सिंह होंगे इसमें, कौन होंगे? अरुण कुमार सिंह, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। देखिए इसकी बात करें अगर हम लोग भारत पंप्स एंड कंप्रेसर लिमिटेड की, तो इसका हेडक्वार्टर आपको प्रयागराज इलाहाबाद में देखने को मिलेगा। 1970 में से इसकी स्थापना की गई थी, तो ये आप लोग याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति संयुक्त राष्ट्र के मानवीय मामलों की एजेंसी के प्रमुख बने हैं? कौन व्यक्ति संयुक्त राष्ट्र के मानवीय मामलों की एजेंसी के प्रमुख बने हैं? टॉनी फिर, मार्टिन ग्रिफिक्स, जेफ पीटर्सबर्ग, एडम चार्ल्स। तो याद रखिए इसमें आपकी मार्टिन ग्रिफिथ्स, ग्रिफिथ्स, ठीक है, इसमें आपका बी ऑप्शन आपका ठीक रहेगा। इन्हें संयुक्त राष्ट्र की जो मानवीय मामलों की एजेंसी होती है ना, इसका प्रमुख चुना गया है, और इन्हों उन्होंने एक तरह से आप देखिए
ये मानव अधिकारों की रक्षा करती है। आगे चलते हम लोग, अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा स्थान पंजाब का नया 23वां यानी कि 23वां जिला बना है? अहमदगढ़, लोंगोवाल, चौगावन, मलेरकोटला, बताइए इसमें से क्या करोगे? तो मुझे लगता है काफी चर्चा में रहा था, मलेरकोटला होगा इसमें। क्या होगा? मलेरकोटला होगा। पंजाब के बारे में हम लोग बता देते हैं कुछ पॉइंट आप लोगों को याद रखना चाहिए। मुझे लगता है पंजाब हमारा स्टेट भी है, राज्य भी है, हमारा पड़ोसी भी है, पाकिस्तान से लगा हुआ। हमारा पाकिस्तान पड़ोसी है ना, पंजाब हमारा राज्य हो गया पड़ोसी। इसकी स्थापना की बात करें तो 1 नवंबर 1966 को इसकी किसकी पंजाब की स्थापना की गई थी। इसकी राजधानी चंडीगढ़ है। विधानसभा में यहाँ आपको देखने को मिलेगा 117 सीटें, राज्यसभा में 7 सीटें देखने को मिलेगी, लोकसभा में आपको 13 सीटें देखने को मिलेगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे सामने। क्या कह रहे हैं? हर साल यानी कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस की बात कर रहा हूं, बताइए। ए ऑप्शन क्या कह रहा है इसमें? ए कह रहा है 13 मई, बी 15 मई, सी 16 मई और डी 19 मई, बताइए। तो याद रखिए 15 मई होगा इसमें। क्या? 15 मई होगा। परिवार आजकल आप देखिए, पहले लोगों के पास टाइम हुआ करता था परिवारों के लिए, आजकल तो आप देखिए किस तरह से बदलता जा रहा है सब माहौल। और संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली ने 9 दिसंबर 1989 के दिन एक प्रस्ताव पास किया था और इसमें हर साल परिवार दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। ठीक है, और इसके बाद आप देखेंगे 1993 में महासभा ने एक संकल्प प्रस्ताव पारित किया था और हर साल 15 मई को इसे मनाने की घोषणा की गई थी, पर विश्व परिवार दिवस 15 मई को। तो इसे भी आप लोग याद रख सकते हैं, और इसे मनाने का उद्देश्य यही है, सोच यही है कि दुनिया भर के लोगों को उनके परिवारों से जुड़े रखने और परिवार से जुड़े मुद्दों पर समाज में जागरूकता फैले, और साथ ही युवाओं को परिवार के प्रति जागरूक करना, उन्हें परिवार होने में के बारे में बताना एक तरह से। ठीक है, और इस साल की थीम की बात करें तो देखिए हर साल परिवार दिवस के लिए एक थीम रखी जाती है, और 2021 की अगर हम लोग बात करें तो इस साल के लिए एक खास थीम रखी गई है, कोरोना महामारी को देखते हुए परिवार और नई प्रौद्योगिकियां। ठीक है, इस बार की थीम है 2021 की। अगला क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति भारतीय महिला क्रिकेट टीम की मुख्य कोच बने हैं? कौन व्यक्ति हाल ही में ही भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच बने हुए? ए ऑप्शन क्या रहा है? रमेश पुवार, अनिल कुंबले, गौतम गंभीर, आरपी सिंह। तो याद रखिए रमेश पुवार होंगे, पुवार वार। ठीक है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। प्रतिवर्ष यानी कि हर साल राष्ट्रीय डेंगू दिवस कब मनाया जाता है? अब देखिए डेंगू दिवस आ गया और आप सभी जानते हैं कि दिवस मनाने का कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होता है, तो डेंगू के प्रति लोगों को सजग बनाया जा सके 16 मई को, 17 मई को, 18 मई को या 19 मई को। तो याद रखिए ये आपका कब मनाया जाता है? 16 मई को। 16 मई को राष्ट्रीय यानी पूरे भारत में डेंगू दिवस मनाया जाता है, डेंगू के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की तरफ से मनाया जाता है। और ये आप सभी जानते हैं डेंगू बुखार होता है और इसमें मच्छर जनित बीमारी है, जिसमें सिर दर्द, तेज बुखार, शरीर में दर्द जैसी परेशानियां आपको सामने देखने को मिलती हैं। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, और मुझे लगता है कि आप अपने आस पास क्या किया करिएगा, अपने आसपास से एक काम करना है। कौन सा काम? सफाई 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 अभियान की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये आप लोग जरूर याद रखिएगा, 16 मई को। चलिए आगे चलते हैं, बढ़ते हैं हम लोग। किसने मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब जीता है? किसने मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है? जूलिया मूर, एना पेलस, और सी है आपका एंडिया मेजा, हेली जॉनसन, कौन होंगी इसमें?
एंडिया मेजा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। सी ऑप्शन कैसा रहेगा? बिल्कुल सही रहेगा। मैक्सिको की है एंडिया मेजा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, कौन व्यक्ति बाटा इंडिया के नए सीईओ बने हैं? बाटा इंडिया, बाटा के बारे में सुने हो या नहीं सुने हो? ए ऑप्शन कह रहा है प्रदीप मीणा, शैलेश साय, अजय ठाकुर, गुंजन साय। बाटा जूता भी पहने होंगे आप लोगों ने, तो इसमें आपके देखिए याद रखिए गुंजन साय होंगे। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। बाटा की अगर बात करें तो इसकी स्थापना 24 अगस्त 1894 को की गई थी। ठीक है, और इसका मुख्यालय आपको लुसाने स्विट्जरलैंड में देखने को मिलेगा। बाटा कंपनी आप देखा होगा, जूता भी बनाती है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, प्रतिवर्ष यानी कि हर साल विश्व उच्च रक्तचाप दिवस कब मनाया जाता है? ब्लड प्रेशर, आप देखते हैं कई लोग इससे क्या रहते हैं, बीमारी से काफी लोग परेशान रहते हैं, बहुत सारे लोगों में देखने को मिल जाती है। तो कब? 14 मई, 16 मई, 17 मई या 19 मई, कब मनाया जाता है? तो याद रखिए 17 मई को मनाया जाता है। कितने को? 17 मई को इसे मनाया जाता है, विश्व भर में यानी कि पूरी दुनिया में मनाया जाता है। द वर्ल्ड हाइपर टेंशन लीग द्वारा इसे घोषणा की गई थी। ठीक है, और आप देखते हैं ब्लड प्रेशर के कारण यानी कि उच्च रक्तचाप के कारण दिल का दौरा भी पड़ सकता है, स्ट्रोक भी हो सकता है, मनोभ्रंश, कॉनिक किडनी रोग और दृष्टि हानि का कारण भी बन सकता है। तो इसे बड़े सजग रहा करिएगा इसके प्रति। और अगर इसकी थीम की बात करें तो इस बार की अपन थीम रही है रक्तचाप, उच्च विश्व उच्च रक्तचाप दिवस 2021 की थीम, अपने रक्तचाप को सटीक रूप से मापना, इसे नियंत्रित करना, लंबे समय तक जीवित रहना, इस बार की क्या रखी गई है? थीम रखी गई है। ठीक है, तो ये आप लोग जरूर याद रख सकते हैं। और अगर हम लोग देखिए ये आप लोग याद रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं, मुझे लगता है कि याद रखना भी चाहिए वरना आपके स्वास्थ्य की बात है, ये तो स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मुद्दा है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिलहाल अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, किसने किसने इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? किसने इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? एंडी मुरे, राफेल नडाल, नोवाक जोकोविच और डोमिनिक थीम। बताइए, तो याद रखिए राफेल नडाल होंगे। कौन होंगे? राफेल नडाल होंगे इसमें, और स्पेनिश स्टार खिलाड़ी है, आपने देखा होगा। ठीक है, नोवाक, राफेल नडाल, तो ये आप लोग। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, किसने इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 में महिला एकल का खिताब जीता है? देखिए वो आपका पुरुष था, ये महिला था, दोनों को बड़े अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, तो इसमें आपका ईगा स्वीटेक, कैरोलिना प्लिस्कोवा, सिमोना हालेप, नाओमी ओसाका। तो याद रखिए ईगा स्वीटेक हैं। ठीक है, ए ऑप्शन आपका सही होगा, और पोलैंड की है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, कौन भारतीय मूल की महिला अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त की गई है? अमेरिकी राष्ट्रपति है ना जो बाइडेन, नए राष्ट्रपति बने हैं। नीतू डेविड, राजबाला सिंह, नीरा टंडन, वंशिका जोशी। तो याद रखिए नीरा टंडन होगी इसमें, क्या होगी? नीरा टंडन होगी। संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में सुने हो या नहीं सुने हो? तो उसी की बात हो रही है, इसकी राजधानी वॉशिंगटन डीसी है। अभी आपके राष्ट्रपति जो बाइडेन है। ठीक है, चलिए
जब सबसे पहले लिखित संविधान की बात होती है तो अमेरिका का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा। हर साल विश्व दूर संचार, हर साल विश्व दूर संचार दिवस कब मनाया जाता है? विश्व दूर संचार की बात हो रही है। ए ऑप्शन कह रहा है 14 मई, 15 मई, 17 मई या फिर 18 मई, किसको मनाया जाता है? तो याद रखिए 17 मई को मनाया जाता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। दुनिया भर में विश्व दूर संचार दिवस मनाया जाता है इस दिन, ठीक है। और इसे 17 मई 1865 को इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन की स्थापना की वर्षगांठ को, एक तरह से उसी की वर्षगांठ पर यह मनाया जाता है, ठीक है। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन की स्थापना की हुई थी, उसी दिन ये मनाया जाता है। कब हुई थी इसकी स्थापना? 17 मई 1865 में। इसका हेडक्वार्टर आपको जेनेवा स्विट्जरलैंड में देखने को मिल जाएगी, तो इसका इसे आप लोग याद रख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। हर साल यानी कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है? संग्रहालय दिवस की बात हो रही है, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस की बात हो रही है। ए ऑप्शन कह रहा है 18 मई, 19 मई, 15 मई या फिर 13 मई, बताइए इसमें क्या लगाओगे? तो मुझे लगता है कि आप लोगों ने लगा दिया होगा, अगर आपको आता होगा 18 मई। देखिए अगर आप लोगों को आता हो तो आप लोग मुझसे आंसर जानने के पहले ही, आप लोग मैं जब आंसर बताऊं उससे पहले ही आप लोग नीचे लिख दिया करिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। 18 मई को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। और इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम ने सबसे पहले इस दिन को मनाने की एक तरह से विचार किया था, और साल 1977 से इस दिन को मनाने की शुरुआत हुई थी। और इस वर्ष की थीम की बात करें तो संग्रहालय का भविष्य, पुनर्कल्पना और संरक्षण, इस बार की थीम रखी गई है। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम की अगर बात करें तो 1946 में इसकी स्थापना की गई थी, पेरिस फ्रांस में इसका आप लोगों को मुख्यालय देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। कौन व्यक्ति सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया के नए सीईओ बने हैं? आप लोगों ने चलाई भी होगी सुजुकी, बहुत अच्छी गाड़ी है। इसमें उदित मेघवाल, रियान खान, सतोशी उचिदा, राजेश तंवर, तो याद रखिए सतोशी उचिदा होगी, ठीक है। इसमें सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। देखिए सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया लिमिटेड की बात करें तो इसकी स्थापना 2006 में हुई थी, गुरुग्राम हरियाणा में। इसका गुरुग्राम हरियाणा में इसका क्या देखने को मिल जाएगा? मुख्यालय देखने को मिल जाएगा। चलिए ठीक है, हरियाणा के बारे में कुछ बता दूं? या हरियाणा की बात हुई है, किसकी? हरियाणा की बात हुई है तो मुझे लगता है हरियाणा के बारे में कुछ आपको बता देना चाहिए। हमारा राज्य है ना हरियाणा, कि नहीं है मालूम आप लोगों को? इसकी राजधानी क्या है हरियाणा की? चंडीगढ़। यहाँ आपको 90 सीटें देखने को मिल जाएगी विधानसभा में, राज्यसभा में 5 सीटें और लोकसभा में 10 सीटें। 1 नवंबर 1966 को इसे राज्य बनाया गया था, ठीक है। चलिए आगे चलते, इसमें आप लोगों ने लगा दिया सतोशी उचिदा। कौन मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में खिताब जीतने वाले पहले भारतीय मूल के फाइटर बन चुके हैं, बताइए? राजेंद्र चौहान, अर्जुन भुल्लर, जितेश राणा या फिर ज्ञानेंद्र सिंह, बताइए कौन लगाओगे इसमें? तो याद रखिए इसमें आपके अर्जुन भुल्लर होंगे, ठीक है। क्या होगा? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, प्रतिवर्ष यानी कि हर साल विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है? मधुमक्खी दिवस की बात हो रही है। ए ऑप्शन आपसे क्या कह रहा है? 17 मई, बी कह रहा है 18 है, और सी कह रहा है 20 और 21, बताइए क्या होगा? तो 20 मई होगा, इसमें से क्या होगा? 20 मई होगा। और 20 मई को वर्ल्ड यानी कि विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है। और इंसानी गतिविधियों के कारण मधुमक्खियों को होने वाले खतरों से आगाह करने के लिए विश्व मधुमक्खी दिवस एक तरह से आपका मनाया जाता है। और याद रखिए पारिस्थितिकी तंत्र में
अगर स्थिर रखना है, इसे सही रखना है, तो आप देखिए सबका एक तरह से बराबर अधिकार है, वो सबको बराबर अधिकार मिलना भी चाहिए। आप देखते हैं हम इंसान से ज़्यादा लालची कोई नहीं होता है। महात्मा गांधी ने एक वाक्य कहा था अच्छा, और उसका प्रयोग आप लोग निबंध लिखते होंगे, आंसर राइटिंग करते होंगे, तब आप लोग जरूर उपयोग कर सकते हैं, बता सकते हैं आप लोग कि देखिए हमारे पास पृथ्वी पर इतने संसाधन हैं कि हमारी जरूरतें पूरा कर सकती है, लेकिन याद रखिए जब हम लोग लालची हो जाते हैं तो हमारे लिए इस पृथ्वी से भी कई अगर पृथ्वी आ जाए तब भी कम पड़ जाएंगी। मान लीजिए हमारी पूर्ति एक घर में हो सकती है तो हम लोग, लेकिन आजकल हम देखते हैं कि हम लोग 10 घर बनाने की सोचते हैं, तो यही सबसे ज्यादा। और इस तरह का जानवरों में आप देखिए, पक्षियों में जो आपके कीड़े होते हैं, इनमें ऐसा कोई मतभेद नहीं रहता है, वो तो अपना बराबर एक तरह से कर्तव्य निभा रहे हैं, लेकिन हम लोग अपने कर्तव्य से हटते जा रहे हैं। मधुमक्खी दिवस की बात हो रही है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। 20 मई को मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है। और बी इंगेज्ड इस बार की थीम रखी गई थी, याद रखिए। हम किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हैं जगन्नाथ पहाड़िया का डेथ हो गई, यानी कि इनकी मौत हो चुकी है, कहाँ के थे? आंध्र प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश। तो याद रखिए राजस्थान के थे। कहाँ के थे? राजस्थान के थे। आप लोग बताइए राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? अभी जब आप लोग पढ़ रहे हैं इसे, 93 साल की उम्र में पहाड़िया साहब का निधन हो चुका है, और पहले दलित मुख्यमंत्री थे, ये जरूर शब्द याद रखिएगा, पहाड़िया राजस्थान के पहले दलित मुख्यमंत्री थे, और 15 जनवरी 1932 को इनका जन्म हुआ था, ठीक है, और 6 जून से 1980 से जुलाई 1981 तक 11 महीने राजस्थान के सीएम भी रहे थे, और 1957 में सबसे कम उम्र में सांसद बनने का इन्हें अवसर भी मिला हुआ था, ठीक है। उस समय इनकी जो सांसद जब बने थे तो इनकी उम्र थी 25 साल 3 महीने, ठीक है, लोकसभा सदस्य बने थे। और आप सभी जानते हैं कि लोकसभा सदस्य बनने के लिए आपकी उम्र कम से कम 25 जरूर होनी चाहिए, अधिकतम की कोई बात नहीं है, राजस्थान आप लोगों को दिखाई दे रहा है। और राजस्थान के बारे में अगर बात करें तो आप सभी को मालूम होना चाहिए राजस्थान हमारा एक राज्य है, और राजस्थान को राज्य बनाने की बात हो या फिर इसके बारे में राजधानी की बात हो तो जयपुर इसकी राजधानी है, और राजस्थान 1949 में आ चुका था। यहाँ विधानसभा सीटें आपको 200 देखने को मिलेगी, राज्यसभा सीटें 10 और लोकसभा सीटें 25 देखने को मिल जाएगी, ठीक है। आगे है आपका क्वेश्चन, कौन व्यक्ति पाकिस्तान के नए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किए गए हैं? जावेद अहमद, मुईद यूसुफ, आदिल फारूकी, सिराज जमशेद। और पाकिस्तान आप सभी जानते हैं कि हमारा पड़ोसी है, और क्या किस तरह की हरकतें करता रहता है आप सभी जानते हैं, तो मुईद यूसुफ होंगे इसमें। और आप देखिए पाकिस्तान की राजधानी की बात करें तो इस्लामाबाद है, यहाँ की करेंसी पाकिस्तानी रुपया है, 1947 में हमारे साथ आज़ाद हुआ था, एक हमारा ही हिस्सा हुआ करता था। 1947 में आपने देखा था कि हमारे दो टुकड़े हो गए थे, एक पाकिस्तान बन चुका था, एक इंडिया, ठीक है, एशिया में ही है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, हर साल यानी कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस की बात हो रही है, चाय आप लोग पीते हैं ना, आप में से किसको लत लगी हुई है चाय की, बताइए आप लोग। तो 21 मई 19 मई 22 मई 20 मई, 21 मई को, क्या 21 मई को मनाया गया है। ये साल 2019 में आपको बता दूं कि संयुक्त राष्ट्र की आम सभा ने हर साल 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाने का फैसला किया था, ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस के पाल को, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस, चाय उत्पादक स्टूडेंट होंगे तो मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए चाय एक तरह से हथियार होता है आपका। पिनराई विजयन किस राज्य की दूसरी बार बार मुख्यमंत्री बने हैं? पिनराई विजयन, विजयन किस राज्य की? कर्नाटक, केरल, झारखंड या छत्तीसगढ़, बताइए किस राज्य के बने हैं?
एक के तो बने हैं, लेकिन किसके बने हैं ये आप लोगों को बताना चाहिए। केरल के हैं। किसके हैं? केरल के हैं। और केरल आप देखेंगे दक्षिण भारत में आपको एक राज्य देखने को मिलेगा। 1 नवंबर 1956 में इसे राज्य बनाया गया था। यहाँ 140 सीटें हैं, 9 राज्यसभा में सीटें हैं और लोकसभा में आपकी 20 सीटें हैं। विधानसभा में कितनी है? 140 है। इसकी राजधानी आप देखेंगे तिरुवनंतपुरम देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे है आपका। हर साल प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की बात हो रही है। ए ऑप्शन कह रहा है 21 मई, बी कह रहा है 22 मई, सी कह रहा है 23 मई और डी कह रहा है 25 मई। 24 मई और 25 मई, बताइए। तो याद रखिए इसमें से आपका क्या होगा? 22 मई। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को। ठीक है, और नोरोमी में 29 दिसंबर 1992 को जैव विविधता सम्मेलन आयोजित किया गया था और जिसमें अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाने का फैसला किया गया था और जिसके बाद 22 मई को ये दिवस पहली बार मनाया गया था। तो ये आप लोग, जैव विविधता वर्ष की अगर हम लोग थीम की बात करें तो इसकी थीम रखी गई है 2021 के लिए, हम समाधान का हिस्सा, इस बार की थीम रखी गई है। तो इसे आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, किस टीम ने महिला चैंपियंस लीग 2021 ट्रॉफी जीती है? किस टीम ने महिला चैंपियन लीग 2021 ट्रॉफी जीती है? वार्सी बार्सिलोना, चेल्सी, लियोन या फिर आपकी देखिए रोज रोजन गार्ड, कौन होंगी इसमें? तो इसमें होंगी वार्सी लोना। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है? बड़े जल्दी हम लोग नीचे आ गए, ऊपर पहुंच चुके हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, प्रसिद्ध व्यक्तित्व सुंदरलाल बहुगुणा का डेथ हो चुकी है, इनकी मौत हो चुकी है, ये किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? ये लेकिन एक बात आपको बता दूं, सुंदरलाल बहुगुणा के बारे में आप लोग जरूर याद रखिए, आपका क्वेश्चन बनने की संभावना है। पर्यावरणविद, वैज्ञानिक थे या गणितज्ञ थे या गायक थे? तो आप सभी को मालूम होगा कि पर्यावरणविद थे सुंदरलाल बहुगोड़ा। और आप लोगों ने देखा होगा चिपकू आंदोलन के प्रणेता भी माने जाते हैं सुंदरलाल बहुगोड़ा। 94 साल की उम्र में इनका कोरोना महामारी के कारण एक तरह से डेथ हो चुकी है। इनके जन्म की अगर बात करें तो 9 जनवरी 1927 को इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और ये भागीरथी नदी के किनारे बसे मरोड़ा गांव में इनका जन्म हुआ था। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा इनके बारे में। इन्होंने कुछ किताबें भी लिखी हुई थी, धरती की पुकार, इंडियाज एनवायरमेंट। ठीक है, तो ये भी आप लोग, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, प्रतिवर्ष यानी कि हर साल विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है? कछुआ दिवस की बात हो रही है। कछुआ तो आप लोगों ने देखा होगा, अभी मैंने भोपाल वन विहार घूमने गया हुआ था तो उसका हम लोगों ने वीडियो, लाइव वीडियो बनाया हुआ है, उसे आप लोग जाकर देखिए। भारत भ्रमण के नाम से एक प्लेलिस्ट सूची बनी हुई है, उसमें कुछ आपकी इस तरह की क्लासें मिलती रहेंगी, घूमने जाएंगे तो बना के जरूर लाएंगे। ठीक है, तो हाँ आप लोग देखिएगा, जरूर देखिएगा, अगर अच्छा लगे तो, ना लगे तो आपकी मर्जी। 20 मई, 23 मई, 24 मई और 25 मई। तो याद रखिए 23 मई होगा इसमें, क्या होगा? 23 मई होगा, विश्व कछुआ दिवस की बात हो रही है। आप देखिए इसकी तस्करी की जाती है और इसके लिए मानव निर्मित कई एक तरह से खतरे भी हैं, प्रदूषण का हो गया, समझ रहे हैं, शिकार का हो गया। तो ये भी कछुए के संरक्षण के लिए एक तरह से इसे मनाने की बात हुई है कि कछुआओं को बचाया जा सके। ठीक है, चले आगे चले हम लोग बड़े। अगला क्वेश्चन है, किस टीम ने ला लीगा लीगा टाइटल 2020-21 का खिताब जीता है? एफसी बार्सिलोना, एटलेटिको मैड्रिड, विलारियल एफसी, रियल सोसिडेड।
तो याद रखिए इसमें आपकी कौन होगी, एटलेटिको मैड्रिड होंगी। ठीक है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन है हमारे सामने, किस राज्य की सरकार ने COVID-19 से अनाथ हुए बच्चों के लिए मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना शुरू की है? किस राज्य की सरकार ने हाल में ही, जो COVID-19 के कारण आपने देखा है कि बहुत सारे बच्चे अनाथ हो चुके हैं, जिनके या तो माता माँ मर चुकी है इस कोरोना महामारी में, उनकी डेथ हो चुकी, या पिता की, या दोनों की हो चुकी है, तो ये किस सरकार ने की हुई है ये इस योजना का शुभारंभ? तो याद रखिए उत्तराखंड सरकार ने की हुई है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और ये उत्तराखंड, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। एक तरह से आप देखिए, उत्तराखंड सरकार ने कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों के लिए मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना की शुरुआत की हुई है। ठीक है, इस योजना के तहत अनाथ बच्चों की आयु 21 वर्ष होने तक उनके भरण पोषण, शिक्षा, रोजगार के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था राज्य सरकार ही करेगी, उत्तराखंड। अब देखिए इसका किस तरह से क्रियान्वयन होता है, एक बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि आप देखिए इस तरह की योजनाएं हजारों आ जाती है, लेकिन उसका धरती पर कितना असर होता है ये आप सभी जानते हैं, मुझे लगता है बेहतर जानते हो। तो इसका क्रियान्वयन सही तरीके से हो, मुझे लगता है कि ये मुख्य बात है। और अगर हम लोग उत्तराखंड की बात करें, तो आप सभी जानते हैं इसकी देहरादून इसकी एक तरह से राजधानी है, विंटर। और इसमें अगर हम लोग विधानसभा सीटों की बात करें, तो 70 सीटें देखने को मिलेगी, राज्यसभा में 3 सीटें हैं और लोकसभा में आपकी 5 सीटें हैं। कितनी? 5 सीटें हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, किसको मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2021 रेस जीती है? किसने? मैक्स वेरस्टैपेन ने, लुईस हैमिल्टन ने, चार्ल्स लेक्लर्क ने, लैंडो नोरिस ने। तो याद रखिए इसमें मैक्स वेरस्टैपेन है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, हर साल यानी कि प्रतिवर्ष भारत में राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया जाता है? 21 मई को, 22 मई को, 24 मई को या 25 मई को? राष्ट्रमंडल दिवस की बात हो रही है, आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा। तो कब मनाया जाता है? 24 मई को, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। एक तरह से आप देखिए, इसे दिवस को मनाने का उद्देश्य यही है कि एकता को स्थापित किया जाए, मानवता को बढ़ावा दे दिया जाए। राष्ट्रमंडल दिवस स्वतंत्रता की भावना, न्याय और सहिष्णुता के आदर्शों के लिए भावना की एकता का प्रतीक भी है राष्ट्रमंडल। हमारे देश में देखिए आप, एक तरह से आप कितना सुंदर था, या हर जाति के लोग मिलते थे, हर धर्म के लोग बड़े मिलजुल के रहते थे, हजारों साल पहले से रह रहे थे। आप देखिए हमारे आप कई भाषा बोलने वाले थे, लेकिन इन राजनेताओं ने आप देखिए अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए फूट डाल दिए, हिंदू मुस्लिम, इस जाति का उस जाति का, पूरा भेदभाव एक तरह से आप देखिए करना शुरू कर दिया गया। तो इसमें आप लोग क्या लगाएंगे? 24 मई लगाएंगे। ठीक है, चलते हैं आगे, चलते हैं हम लोग। कौन भारतीय मूल की छात्रा ऑक्सफोर्ड छात्र संघ की अध्यक्ष बनी है? ऑक्सफोर्ड छात्र संघ की अध्यक्ष बनी हुई है, जेमी देसाई, रश्मि जैन, रिया सिंह, अनवी भूटानी। मैं बताइए, तो याद रखिए अनवी भूटानी होंगी इसके। ठीक है, ऑक्सफोर्ड छात्र संघ की ये अध्यक्ष बनी हुई है, ये आप लोग याद रखिएगा। ऑक्सफोर्ड के बारे में तो सुने होंगे ना, बहुत पुरानी ये है, 912 AD में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, तो उसी की बात हो रही है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। पहले कौन व्यक्ति केंद्रीय जांच ब्यूरो के नए निदेशक बने हुए हैं? सीबीआई के बारे में आप लोग सुने हैं, आजकल आप देखिए सीबीआई का एक तरह से जांच हो रही है, यहाँ सीबीआई का वो हो रहा है। देखिए जांच एजेंसियों का दुरुपयोग आज से नहीं होता रहा है, जब भी जिसकी भी सरकार रहती है वो इस तरह की एजेंसियों का दुरुपयोग करती है। ठीक है, राजेश चंद्रा, महेश तोमर, सुरेश यादव और सुबोध जायसवाल। तो याद रखिए इसमें सुबोध जायसवाल होंगे। और अगर हम लोग केंद्रीय जांच ब्यूरो के बारे में बात करें,
यानी कि सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के बारे में, तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1963 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर आपको न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसे इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? रोरी गल्फ, डेविड वार्निया, एटन जोसबर्ग, फिट्टे हुनजोस। तो याद रखिए डेविड वार्निया, इजराइल आप लोग समझ रहे हैं, उसी की बात हो रही। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। किस देश के शहर अड्डू में भारत का पहला वाणिज्य दूतावास खोला गया है? बताइए, मालदीव, श्रीलंका, नेपाल, भूटान। तो याद रखिए इसमें मालदीव होगा, हमारा पड़ोसी है मालदीव, जल के द्वारा उसकी सीमा लगती है, अरब सागर हुआ, आप देखते होंगे, मालेश की राजधानी है। ठीक है, एशिया में पड़ता है भाई। चलिए, इन सभी देशों के बारे में विस्तार से बात की हुई है, तो आप लोग मैप को जरूर जरूर कवर कर लें। मैप के नाम से एक प्लेलिस्ट सूची बनी हुई है, उसमें बड़े विस्तार से हर देश के बारे में, एशिया, प्रशांत महासागर, जो भी महासागर है, कोई झीलें हैं, जो भी आपका, आप लोग भूगोल पढ़ते हैं ना, तो विश्व के भूगोल में आपको जो भी एक तरह से इस तरह का मैप का पार्ट होता है, उसे हम लोगों ने कवर किया हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रति वर्ष विश्व थायराइड दिवस कब मनाया जाता है? विश्व थायराइड दिवस की बात हो रही है। ए ऑप्शन कह रहा है 23 मई, 25 मई, 26 मई, 21 मई। बताइए, तो याद रखिए 25 मई को मनाते हैं, दुनिया भर में ये विश्व थायराइड दिवस मनाया जाता है। और पहली बार विश्व थायराइड दिवस साल 2008 में मनाया गया था, अमेरिकी थायराइड एसोसिएशन और यूरोपीय थायराइड एसोसिएशन के द्वारा थायराइड के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए एक तरह से इसे मनाया गया था। आप लोग याद रखिएगा, थायराइड, आप लोगों ने एक तितली के आकार की ग्रंथि भी देखी होगी, एंडोक्राइन ग्रंथि हार्मोन बनती है। चलिए आगे चलते हम लोग। मोहाली हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर किन के नाम पर रखा गया है? मेजर ध्यानचंद, बलबीर सिंह सीनियर, अजीत पाल सिंह, केडी सिंह। तो याद रखिए बलबीर सिंह सीनियर के नाम पर मोहाली हॉकी स्टेडियम। आपने देखा है, जब से नई सरकार आई हुई है तो नाम बदलने का काम बहुत हुआ है। चंडीगढ़ में देखने को मिलेगा शायद। अगर बलबीर सिंह सीनियर की बात करें हम लोग, तो 10 अक्टूबर 1925 में इनकी डेथ हुई थी, माफ करिए, जन्म हुआ था 1924 में, 10 अक्टूबर 1924 में, और इनकी 25 मई 2020 में इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, पद्मश्री भी बलबीर सिंह सीनियर को मिला हुआ था। चलिए खैर, आगे बढ़ते हैं, अब दूसरी सरकार आएगी फिर वो बदलती रहेगी, इस तरह के बदलते रहते हैं। कौन ASGE ने से सर्वोच्च सम्मान पाने वाले पहले भारतीय डॉक्टर बने हैं? कौन ASGE से सर्वोच्च सम्मान पाने वाले पहले डॉक्टर बने हुए हैं? ए है एस विजयपाल, बी कह रहे हैं आरपी वर्मा, डी सी है आपका डी नागेश्वर रेड्डी, और डी कह रहा है आपका टी गुणराज सिन्हा। तो याद रखिए डी नागेश्वर रेड्डी होंगे इसमें। अमेरिकन सोसाइटी फॉर, इसे क्या कहते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंडोस्कोपी, 30 दिसंबर 1941 को इसकी स्थापना की गई थी, तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। अमेरिकन सोसाइटी ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंडोस्कोपी, ठीक है, इन्हें पुरस्कार
ने प्रसिद्ध रुडोल्फ बी सेंडर पुरस्कार दिया गया है। आपको बता दूं ASGE GI एंडोस्कोपी की दुनिया में शीर्ष संस्थाओं में से एक है। रुडोल्फ बी सेंडलर अवार्ड दरअसल प्रतिष्ठित क्रिस्टल अवार्ड्स में सर्वोच्च श्रेणी में आता है, जिसका नाम डॉक्टर सेंडलर के नाम पर रखा गया है, जिन्हें आप लोग गैस्ट्रोस्कोपी का जनक भी मानते हैं। गैस्ट्रोइन आगे है, कौन भारतीय मूल के व्यक्ति अमेरिका में वाणिज्य विभाग के महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं? कौन व्यक्ति भारतीय मूल के अमेरिका में वाणिज्य विभाग के महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं? भारतीय मूल के हैं चंदन तेंदुलकर, राजन धवन, अरुण वेंकट रमन, सुशील नागर। तो याद रखिए अरुण वेंकट रमन होंगे इसमें। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, कौन व्यक्ति अमेजन के नए CEO नियुक्त किए गए हैं? अमेजन आप लोग देखते हैं ना, शॉपिंग करते रहते होंगे तो आपको मालूम भी होगा। टी फोर्ड मोंजे, एंडी जेसी, लूसो एंडो, कीको वर्ड। तो याद रखिए एंडी जेसी होंगे इसमें। और अमेजन के बारे में आप सभी को मालूम होना चाहिए, इसकी स्थापना 5 जुलाई 1994 में की गई थी। वॉशिंगटन DC में इसका मुख्यालय देखने को मिलेगा, वॉशिंगटन USA में। ठीक है, किस भारतीय को सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में स्पेन का सर्वोच्च पुरस्कार मिला हुआ है? किस भारतीय को सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में स्पेन का सर्वोच्च पुरस्कार मिला हुआ है? स्पेन आप लोग जानते हैं ना, उसी की बात हो रही है। यूरोप के दक्षिण पश्चिम में एक देश आपको देखने को मिलेगा। प्रवीण खन्ना, आशीष चौबे या फिर रवेन राव, अमर सेंट। तो ये अमर सेंट को मिला हुआ है। किन्हे? अमर सेंट को मिला हुआ है। और अमर सेंट के बारे में आप सभी जानते होंगे, कौन है? अर्थशास्त्री है। इनका जन्म 3 नवंबर 1933 में हुआ था। नोबल पुरस्कार भी मिला हुआ है इन्हें, आपको मालूम होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, बशर अल असद किस देश के लगातार चौथी बार राष्ट्रपति बने हैं? कुवैत, सीरिया, ईरान इराक। तो याद रखिए सीरिया के बने हुए हैं। कहा गए सीरिया के बने हैं। ये आपको देखने को मिलेगा कहाँ? अफ्रीका महाद्वीप में। ठीक है, सीरिया बहुत स्थिति रहती बुरी है सीरिया की, आप लोग सुनते रहते हैं। दमिश्क की इसकी राजधानी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, इसमें क्या लगाओगे? सीरिया, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। केंद्र सरकार ने किसे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के नए USD के रूप में नियुक्ति दी है, बताइए? केंद्र सरकार ने किसे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के नए USD के रूप में नियुक्ति मिली है? जलज सिंह त्रिपाठी, आर के सक्सेना, V.V.R. सुब्रमण्यम और डी इसमें कह रहा है SK भूषण। कौन होंगे इसमें? तो याद रखिए B.V.R. सुब्रमण्यम। एक BA ऐसा है, B ऐसा है। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिए। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, चलिए आगे चलते हैं। क्या कह रहा है आपसे, प्रतिवर्ष यानी कि हर साल विश्व भूख दिवस कब मनाया जाता है? आप सभी जानते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, हमारे देश में भी ऐसे हैं कि जिनके पास दो वक्त की रोटी खाने के भी लाले पड़े हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं क्या स्थिति है। 28 मई को, 25 मई को, 22 मई को, 26 मई को। और आप देखते हैं एक तरफ इतना खाना बर्बाद किया जाता है, तो आप लोग इसकी कम से कम, आप लोग तो पढ़े लिखे हैं तो आप तो इसकी कीमत समझा करिएगा। ठीक है, तो ये आपका कब? 28 मई को मनाया जाता है। और एक तरह से आपको बता दूं कि दुनिया भर में जो भुखमरी से ग्रसित लोग हैं इनके बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से एक दिन को मनाया जाता है। 2011 में इससे एक तरह से आप देखिए इसकी शुरुआत हुई थी। और इस साल की अगर थीम की बात करें, विषय की बात करें, तो एक्सेस एड्स हंगर इसका थीम रखी गई है, तो आप लोग जरूर याद रख पाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, किस देश की
त्रसांग इंग इन हंग माउंट एवरेस्ट की को सबसे कम समय में फतह करने वाली महिला बनी हुई है। ये हांगकांग की है, चीन की है, चाड़ की है या बेल्जियम की? तो याद रखिए हांगकांग की है। किसकी है? हांगकांग की है। और इसके माउंट एवरेस्ट के बारे में बात करें तो आप सभी जानते हैं कि सबसे दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। इसकी ऊंचाई आपको 8,848 देखने को मिलेगा, कहीं आपको 50 भी लास्ट में देखने को मिल जाएगा, तो मुझे लगता है ये मायने नहीं रखता। और नेपाल में आपको देखने को मिलेगा ऐसे। नेपाल में से आप लोग सागरमाथा के नाम से भी जानते हैं, देवगिरी के नाम से भी जानते होंगे, दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है एक तरह से हिमालय में, ठीक। और हांगकांग के बारे में बात करें तो आप सभी जानते हैं कि हांगकांग आपको चाइना कहता रहता है कि हमारा देश है ये, लेकिन आप देखते हैं हमारा हिस्सा है, लेकिन आपको देखने को मिलेगा कि हांगकांग में आपको लोकतंत्र देखने को मिलेगा और चाइना में आप सभी जानते हैं क्या स्थिति है। पितिवर्ष हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? देखिए अब पत्रकारिता की जहां बात होती है तो बड़ा नेगेटिविटी आने लगती है दिमाग में, क्या हालत हुई है पत्रकारों की आप सभी जानते हैं। 28 मई, 29 मई, 30 मई, 31 मई, तो याद रखिए 30 मई को मनाया जाता है। कब? 30 मई को मनाया जाता है। और आपको बता दूं कि ये दिन इसलिए मनाया जाता है कि आज से आप देखेंगे लगभग 195 वर्ष पहले कलकत्ता में हिंदी का पहला अखबार शुरू हुआ था एक तरह से, उसी की याद में। उदंत मार्तंड शुरू हुआ था। और कानपुर के एक निवासी थे पंडित जुगल किशोर शुक्ल या शुक्ल, इनके द्वारा 30 मई 1826 में उदंत मार्तंड की शुरुआत किया था, इसकी प्रकाशन किया हुआ था, तो एक तरह से उसी के लिए मनाया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। हर साल विश्व तंबाकू दिवस यानी कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? आप देखिए बहुत सारे लोगों की तंबाकू के कारण भी डेथ होती है। तंबाकू आप देखते हैं कई लोग खाते रहते हैं, उनका मन ही नहीं मानता है। 1 जून, 31 मई, 29 मई, 2 जून, तो याद रखिए 31 मई को मनाया जाता है। एक क्वेश्चन भी आपको बता दूं कई बार पूछा जा चुका है, और इस बार की अगर हम लोग से थीम आपसे अगर कभी पूछता है तो याद रखिए कमिट टू क्विट इस बार की थीम रखी गई, यानी कि छोड़ने के लिए प्रतिबद्ध, ठीक है, तंबाकू छोड़ने के लिए प्रतिबद्ध। और तंबाकू से आप देखिए कई गंभीर और जानलेवा बीमारियां भी हो सकती हैं, जिनमें फेफड़ों में कैंसर, लीवर कैंसर, मुंह का कैंसर, कोलन कैंसर, गर्भाशय का कैंसर, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, हृदय रोग जैसी बीमारियां हो सकती हैं, तो आप लोग जरूर याद रखिए करिएगा। और आसपास अगर कोई पीता है इस तरह की बीड़ी सिगरेट तो उनसे भी दूर रहा करिएगा, ठीक है। किस टीम ने UEFA 2020-21 चैंपियनशिप लीग का खिताब जीता है? लिवरपूल FC, चेल्सी FC और FC बार्सिलोना, मैनचेस्टर सिटी, तो याद रखिए इसमें आप लोगों का होगा चेल्सी FC, ठीक है, क्या होगा बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। कौन UAE का गोल्डन वीजा पाने वाली पहली भारतीय अभिनेता बने हैं? सुनील शेट्टी, अजय, अक्षय कुमार, रणवीर कपूर, संजय दत्त, तो याद रखिए संजय दत्त होंगे इसमें। कौन होंगे? संजय दत्त होंगे। संजय दत्त के बारे में आप लोग पढ़े होंगे, संजय दत्त बॉलीवुड के अभिनेता है ना, प्रथम भारतीय अभिनेता बन चुके हैं। संयुक्त अरब अमीरात ने एक गोल्डन वीजा हर किसी को नहीं देता है, इसके लिए आपको अंदर कुछ खास प्रतिभा होनी चाहिए, या फिर आप निवेशक हैं या निवेश कर रहे हैं, ठीक है। और आपको बता दूं दो किस्म का गोल्डन वीजा होता है, एक 10 साल के लिए दिया जाता है, एक 5 साल के लिए। केंद्र सरकार ने किन लोगों को प्रशिक्षित करने के लिए युवा प्रधानमंत्री योजना शुरू की हुई है? लेखकों, डॉक्टरों, लेखकों, वैज्ञानिकों, पत्रकारों, तो याद रखिए लेखकों को, किसे? लेखकों, आप भी लेखक हैं तो आपको भी। उच्च शिक्षा विभाग ने युवा लेखकों को प्रशिक्षित करने के लिए प्रधानमंत्री योजना की शुरुआत की हुई है, ठीक है, युवा प्रधानमंत्री योजना। और आपको बता दें कि युवा और नवोदित लेखक यानी कि 30 वर्ष से कम आयु के जो लेखक हैं उन्हें एक तरह से प्रशिक्षित किया जाएगा, ठीक है। और इसका उद्देश्य है ये पढ़ने लिखने और पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा मिल सके।
किस राज्य की सरकार ने COVID-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना शुरू की हुई है? आपने आपको बताया हुआ है कि COVID-19 महामारी ने बहुत नुकसान पहुंचाया है, किसी किसी के तो परिवार छीन लिए पूरी तरह से। तो किस राज्य की सरकार ने COVID-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना शुरू की हुई है? असम, राजस्थान, मणिपुर, तमिलनाडु। तो याद रखिए असम होगा इसमें, क्या होगा? असम होगा, असम सरकार ने। और इस योजना के अनुसार अभिभावक गंवाने वाले बच्चों को 3500 रुपये प्रति महीने छात्रवृत्ति दी जाएगी, जिनसे उनका पढ़ाई लिखाई हो सके, उनका खान पीन चल सके। इसके अलावा जिन बच्चों के परिवार में देखभाल करने वाला कोई नहीं है, उन्हें आवासीय विद्यालयों या फिर संस्थानों में भेजा जाएगा, इसका खर्च भी सरकार उठाएगी। अच्छी पहल है, फिर भी कह रहा हूँ कि देखिए अगर इसे सही से लागू होता है तो मुझे लगता है बेहतर है, और नहीं होता है तो 1000 योजनाएं बना लीजिए, कोई मतलब की नहीं रहती हैं। किस राज्य सरकार ने COVID-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए मुख्यमंत्री कोविड बाल कल्याण योजना शुरू की है? हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, बिहार। तो याद रखिए मध्य प्रदेश ने की हुई है, लेकिन आपको बता दूं, देखिए ये जो भी है योजनाएं इन्हें आप लोग याद रख लीजिए, क्योंकि कोविड महामारी ने बहुत प्रभावित किया हुआ है, तो मुझे लगता है क्वेश्चन इनसे पूछे जाने की संभावना भी रहती है। मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड बाल कल्याण योजना शुरू की हुई है, और इस योजना के तहत 5000 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाएगी बच्चों को, और हर महीने निःशुल्क राशन भी दिया जाएगा, और 1ली से 12वीं तक सरकारी स्कूलों में निःशुल्क पढ़ाई, और निजी स्कूल में पढ़ाई के लिए सरकार 10,000 रुपये सालाना देगी। इसके अलावा कॉलेज की पढ़ाई का खर्चा भी सरकार उठाएगी। सरकार ने अब तक मध्य प्रदेश में ऐसे कुल 325 बच्चों की पहचान उस समय कर ली थी, ठीक है। और इस योजना के तहत उन बच्चों को कवर किया जाएगा जिनके माता पिता की मौत 1 मार्च 2021 से 30 जून 2021 के बीच हुई थी, ठीक है। आगे भी जिनकी होगी उन्हें भी देखा जाएगा। अब आती है मध्य प्रदेश के बारे में, कुछ पॉइंट आपको बता देता हूँ, वरना आप लोग कहेंगे, मध्य प्रदेश वाले कहेंगे कि हमें हमारे बारे में कुछ नहीं बताया। तो 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश राज्य का गठन किया गया था। और आपको एक बात और बता दूँ कि जब तक छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य था मध्य प्रदेश, लेकिन छत्तीसगढ़ सन 2000 में मध्य प्रदेश से अलग करके अलग राज्य बना दिया गया था। तो अब क्षेत्रफल में दूसरे नंबर पर आता है मध्य प्रदेश, पहले पर राजस्थान है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश को आप लोग टाइगर प्रदेश, सोया प्रदेश, हृदय प्रदेश, नदियों का मायका, इन सभी नामों से भी पुकारते हैं, ठीक है। और यहाँ आप लोगों को विधानसभा सीटें 230 देखने को मिल जाएगी, राज्यसभा में 11 सीटें, लोकसभा में 29 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी। तो ये आप लोग, और मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ है? जबलपुर में। इसकी खंडपीठ आपको इंदौर और ग्वालियर में देखने को मिल जाएगी। तो एक क्वेश्चंस थे आपके मई महीने में, जो भी घटनाएं घटी हुई है करंट अफेयर्स से जुड़े आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे, इन्हें आप लोग जरूर देखते रहिएगा, अच्छे से एंजॉय करते रहिए, और जब भी आप लोग पेपर देने जाते हैं तो उस समय भी आप लोग इन्हें देख के जाया करिएगा। तो मई के बाद आप जून महीने में मिलते हैं हम लोग, जून महीने की सभी जो भी करंट की घटनाएं रहेंगी उनसे जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उन्हें एक करके हम लोग देखेंगे। चलिए आप लोग एंजॉय करिए, हम लोग मिलते रहेंगे, ठीक है।